संसद में सरकार घिरी हुई है। दिल्ली मामले में उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या फैसला करे। विपक्ष के तेवर तीखे हैं और सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष तो दो दिन से अपनी कुर्सी पर ही नहीं बैठ रहे। विपक्ष के सवालों का जब सरकार जवाब नहीं दे पाई तो उसने कांग्रेस के साथ लोकसभा सांसदों को सदन की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव पास करा दिया और अब ये सांसद बजट सत्र के बचे हुए दिनों में संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आज क्या हुआ संसद में, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली मामले को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है और वो भी तुरंत। दूसरी ओर विपक्ष के दबाव में चर्चा कराने को सरकार तैयार तो हो गई है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। सरकार का कहना है कि होली के बाद वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष इंतजार के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार को कोई जल्दी नहीं है और इसी का नतीजा है कि संसद ठप पड़ी हुई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाता है और फिर कार्यवाही स्थगित हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। संसद में चल रहे हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष आज भी सदन नहीं आए। ओम बिरला नहीं आए तो बीजत सांसद भर्तृहरी मेहताब ने लोकसभा का संचालन किया। ओम बिरला सदन में भले न आए हो, लेकिन लोकसभा का नजारा नहीं बदला। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, द्रमुक, माकपा समेत अन्य दलों ने दिल्ली मामले पर चर्चा की मांग शुरू कर दी। सदन में कागज उछाले गए। विपक्ष हंगामा कर ही रहा था कि अचानक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के साथ सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। अब ये सांसद पूरे बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बेनी बहनान, मणिकम टैगोर और गुरजीत सिंह औजला शामिल हैं। राज्यसभा में भी स्थिति लोकसभा जैसी ही थी। हंगामे की वजह से सभापति वेंकैया नायडू नाराज दिखाई दिए। उन्होंने सदस्यों से कहा कि ये संसद है, कोई बाजार नहीं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रही, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सरकार ही नहीं चाहती कि संसद चले। अधीर ने कहा कि जब तक सरकार दिल्ली मामले पर चर्चा नहीं कराएगी तब तक हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, और आज भी संसद नहीं चल पाई। डीवी लाइव की रिपोर्ट।